गाइस माय नेम इज शोम, वेलकम बैक शोम व्लॉग। सो गाइस मैं आज अपनी फर्स्ट कोरोना के अंदर रैपिंग कराने जा रहा हूँ मदंगरी। और जो ये गलियाँ आप देख रहे हैं ये दिल्ली की गलियाँ हैं। यस गाइस ये दिल्ली की गलियाँ हैं, कोई गांव नहीं, मतलब एक दिल्ली गांव है वहाँ की गलियाँ हैं ये। सो गाइस और मुझे इसमें कराना था अभी फर्स्ट कोरोना के अंदर रैपिंग करानी थी क्योंकि मैंने अभी नई बाइक ली है। अगर आपने नहीं देखी है, मैंने कई सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी है, उन्होंने मुझे ढंग से पता नहीं चला कि इसी रैपिंग कैसे करानी चाहिए, कहाँ का रैपिंग करानी चाहिए। सो मैं खुद जा रहा हूँ अभी हर्ष वर्मा की रैपिंग कराने। अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अभी जाके पता करते हैं इसकी क्या कॉस्ट बैठती है रैपिंग कराने की, और सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और अगर आपने मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली का भारी जाम, तो वैसे भी हर्ष वर्मा को मैं काफ़ी टाइम लेके बाहर निकला हूँ, मतलब घर से बाहर एक हफ्ता हो गया क्योंकि बीच में रणथंभौर घूमने चले गया था। और रणथंभौर की वेब सीरीज़ आपको आधा वीडियो बनाई है, आपके स्कैन किया जो भी रणथंभौर में होता है वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। अगर गंदा वाला काम लग रहा है तो जहाँ आती है लेफ्ट राइट राइट ये देख लिया है, पतली गलियों से निकलने के बाद आते हैं यहाँ पर। मदंगरी की मेन मार्केट है, यहाँ पर सभी प्रकार की रैपिंग। तो जो मेरा दोस्त पीछे बैठा है आपको दिख रहा हो, ये कह रहा है स्मोकी ब्लैक कराने की। ये 250 cc की बाइक थी और हम करा रहे हैं मॉडिफिकेशन, इससे पन्नी छिड़वा रहे हैं। तो ये जरा ऊपर करके ऐसे अंदर चली जाएगी। शॉप है मदंगरी में, ये दिल्ली का एक ऐसा एरिया है करोल बाग से छोटा, जहाँ सारी बाइक की सर्विस होती है, सारी बाइक से कवर बॉडी पार्ट और इनकी दुकान पे सारा सामान मिल जाता है। दिल्ली में ऐसी कई सारी जगह अलग अलग कॉलोनी के हिसाब से शॉप हैं, पर एक ही शॉप अलग है मदंगरी में। यहाँ पर सारी मार्केट में आपको ऐसे ही सामान मिलता है बाइक से रिलेटेड। सो भैया बाइक अंदर ले आए, इसकी हमें पन्नी छड़वा रहे हैं और अभी देखते हैं कितने पैसे लगे, आप वीडियो को एंट्री देखते रहें। तो ये भाई इससे बोल रहा है कि मैंने करोल बाग में दो बाइक करी हैं पहले ऐसे भी, इसकी टूल किट निकालो, उसके बाद इसके सब बॉडी पार्ट खोलने के बाद तो उसका भी, इसको खोलने के बाद हमने चॉइस किया था। मैं आपको पन्नी दिखाता हूँ, एक ही जो है ट्रांसपेरेंट पन्नी दिख रही है कि ये छुड़वाएंगे इसमें बैक साइड पे, और जो ब्लैक कलर की है ये पूरी इस पर, इसके भैया ने बताया मेरे को 1000 रुपये। और देखते हैं शैम्पू बोल रहा है उसमें, उसके बाद इसमें स्प्रे करेगा ना, हंस रहा है ये भी। भाई के पास सारा सामान है, दोस्तों बाइक का काम स्टार्ट हो गया है। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये कुछ तरीके से जो भाई हमारे ये आगे हम टंकी पे लगवा रहे हैं, और प्योर वाइट जो है वो जिस सीट में लगवाएंगे, ये बॉम्बे कलेक्शन करके नाम बॉम्बे स्टिकर करके शॉप है जो कि मदंगरी में पड़ती है। उन्होंने 1100 रुपये बोले थे, पता है 1000 रुपये दीजिए, बार्गेनिंग तो होती है शॉप को। आप कहीं से एक बाइक में 4-4 बंदे काम कर रहे हैं। सो अभी कर रहा है भाई, इस भाई ने बता रहा है करोल बाग में 2 बार मोटरसाइकिल करी है सेम, भाई को एक्सपीरियंस है करने का, इसलिए इसी से करवा रहे हैं हम। काम भी उसे ही करना चाहिए जिसे एक्सपीरियंस हो। भाई को और बहुत पुराने खिलाड़ी है, पुराने खिलाड़ी बता रहा है, अच्छी बात है, काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। और दोस्तों लगे आते इसमें मैं ये भी करवा रहा हूँ, उसमें शॉकर है ना यहाँ पर, इसको गोल्डन कलर का करा रहे हैं। और इसकी जो फ्रंट है और एक ये जो फ्रंट है इस पर पन्नी छड़वाएंगे ट्रांसपेरेंट, ताकि स्क्रैचेस ना आए क्योंकि धूल मिट्टी से काफ़ी स्क्रैच आ जाते हैं। और इसकी हेडलाइट पे भी, इसके मडगार्ड पे भी अभी सेम भैया पन्नी छड़ाएंगे। और उसकी उसकी बैकलाइट है, मीन्स जो ये बैकलाइट होती है पीछे की, इस पर ट्रांसपेरेंट या फिर जैसे ये ब्लैक कलर की पन्नी दिख रही है आपको वैसी पन्नी कराएंगे। पूरी वीडियो को वॉच करिए और देखिए कि कैसी लगती है बाइक को, और नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा, भाई बहुत मेहनत कर रहा है इसको करने में यार। देखो इसके साथ साथ पीछे की लाइट भी करवा लेते हैं, स्क्रैच पड़े उससे बेटर रहेगा।
ये हमारी बाइक रेडी हो गई है कुछ एक साइड से, ये अपन एक इकट्ठी निकाल देता चाहे इसके आ जाएंगे। सो ये वाला लुक आया है इसका, शाइनिंग वाला ब्लैक। बाइक वैसे ही चमकती है, भी और चमकेगी। मस्त लग रही है। अरे भाई आगे से मडगार्ड, ये इसके मडगार्ड पे भी करेंगे, उसकी लुक देखेगा इसकी भी प्यारी लुक आई है इसकी। अभी तो शाइनिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसा इसका रिव्यू रहता है, मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस शॉर्ट प्लेन इसका लिखा हुआ ऊपर। बाइक में जो भी काम होगा मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको करा के दिखाता रहूँगा कि क्या क्या काम इसमें और करा सकते हैं। तो गाइस आधा काम तो हो गया है इसके अंदर, इस साइड की बहन ने कटिंग कर दी है, बैक लाइट लग गई है और उस साइड का सिर्फ कटिंग रह गई है, शॉकर भी हो गया है। अभी शॉकर पे यहाँ पर गोल्डन कलर कराएंगे, जो ऊपर रखा हुआ है गोल्डन कलर या फिर ये वाला जो ये कलर है इसको हम कराएंगे शॉकर पे। तो देखते हैं, पूरी वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा टाइम लग गया वीडियो अभी जाएगी शायद। तो ऐसी मॉडिफिकेशन हस्बैंड नाम है किसी ने कराई नहीं होगी आज तक, जैसे मैंने इस बाइक में मॉडिफिकेशन कराई है। अभी इसमें और कुछ भी कराना आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसके अपडेट आपको मिल जाएंगे। सो अब टर्निंग इस बैक साइड की, जो मैंने ट्रांसपेरेंट करवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ सिल्वर है इसलिए ट्रांसपेरेंट ठीक है, क्योंकि ग्लॉसी लुक जो ब्लैक कलर में मैंने यहाँ कराया था यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, बट बैक साइड मुझे ठीक नहीं लगा इसलिए मैंने वाइट कलर का कराया है। इसको कंप्लीट होने देते हैं फिर आपको लुक दिखाते हैं कि कैसा लगेगा। उसके स्टॉकर पर गोल्डन कलर, बाइक रेडी हो गई। वीडियो बहुत लंबी हो गई और बाइक की आप लुक देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, माय नेम इज शुभम जिंदल, मैं चलते हैं घर, इस वीडियो करते हैं तो कल मिलते हैं।